नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो भिवानी से मिल रही है। सिवानी कोर्ट में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हुई है, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत। पेशी पर आए युवक को छुड़वाने के लिए बदमाश यहां आए थे, कैदियों को भी गोली लगी है। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर भिवानी से, जहां सिवानी कोर्ट में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हुई है, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत। जबकि आपको बता दें कि पेशी पर आए युवक को छुड़वाने के लिए बदमाश आए थे, कैदियों को भी गोली लगी है। पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ लिया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ सिवानी से मेरे सहयोगी प्रवीण फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रवीण, किस वक्त ये वारदात हुई है और इस वारदात को लेकर आरोपियों को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? आज पुलिसकर्मी कैदियों को पेश करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान कुछ चार पांच कुछ युवक आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौके पर मौत हो गई। और वहां पर इतनी देर पुलिस को भी सूचित किया, इतनी देर में ही उन्होंने एक दो लोगों को तो कुछ पकड़ लिया और कुछ अन्य लोग फरार हो गए मौके पे, और पुलिस अभी तक छानबीन में जुटी है। जी प्रवीण, क्या कोर्ट परिसर के भीतर इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी, अंदर जब कोर्ट परिसर के तरफ ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उन्होंने साजिश के तहत जो बदमाश थे उन्होंने दल के तहत उन्होंने उसको ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और अपने किसी मुलजिम को छुटाने की कोशिश की। लेकिन जिस अपराधी को छुड़वाने के लिए बदमाश आए थे, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है? जी, उसके खिलाफ भी कुछ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो छुपाने वाले लोग भी थे उनके ही गैंग के कोई सदस्य बताए जा रहे हैं, पर अभी नाम नहीं पता चल रहा है। और अभी इसी घटना को लेकर भिवानी के पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारियों ने वहां पर मौका पर दौरा किया है और टीम की छानबीन के लिए नाके। तो क्या पहले से ये लोग वहां पर घात लगाकर बैठे हुए थे? जी, इस मामले को लेकर ये पहले से ही इन्होंने अपनी उनको पता था, इनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उसी साजिश के तहत उन्होंने पहले से ही अपनी घात लगा रखी थी, इसी के तहत उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी ये भी प्रवीण की कुछ कैदियों को भी गोली लगी है? जी, उस मामले में कुछ है, कुछ लोगों को लगी है और पुलिस मामले में अभी छानबीन के लिए जुटी है और उनको वहाँ हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया है। जी, दो बदमाश पकड़े, लेकिन कितने बदमाश आए थे, कितने बदमाश फरार होने में कामयाब हुए, और ये भी जानकारी ये भी साफ एक बार कीजिएगा, क्या जिस शख्स को छुड़वाने के लिए आए थे उसको छुड़वाने में कामयाब हुए हैं ये अपराधी? ये चार बदमाश बताया जा रहा है कि चार बदमाश आए थे और इनमें से इन्होंने कुछ गोलियां चलाई और कुछ जब गोलियां चलाकर भाग रहे थे तो कुछ पुलिसकर्मियों ने दो लोगों को हिरासत में लिया, एक दो लोग फरार हो गए हैं। और भी क्या पता इस मामले में और भी शामिल हो सकते हैं, पुलिस इस मामले पर गहनता से टीम बनाकर अभी छानबीन कर रही है। जी प्रवीण, ये बताइए, जो दो अपराधी पकड़ लिए गए, जो दो बदमाश पकड़े हैं, उनकी पहचान, उनके बारे में कुछ सुराग पुलिस को हाथ लगा हो, कुछ पहचान उनके सामने आ पाई हो? अभी पहचान तो सामने आई नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने अंडर हिरासत में पूछताछ के लिए लिया हुआ है अभी, क्योंकि मौके पर अधिकारी आए हुए हैं, मौके पर छानबीन कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक भी आए हैं, डीएसपी भी आए हैं, इसके बाद ही पता चल पाएगा कौन लोग थे। शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। तो फायरिंग हुई है कोर्ट परिसर में सिवानी में, एक अपराधी को पेशी पर पुलिस वाले लेकर आए थे और तभी घात लगाकर बैठे चार आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, कुछ कैदियों को भी गोली लगी है, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद कुछ अन्य पुलिस वालों ने कार्रवाई करते हुए तत्परता दिखाते हुए दो बदमाशों को पकड़ लिया, जो पुलिस हिरासत में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम को पानी का मसला सुलझाने के लिए खत लिखा है, हालांकि यह खत एसवाईएल को लेकर नहीं, रावी नदी के पानी को लेकर लिखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने रावी नदी के मसले पर बैठक बुलाने के लिए कहा है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि पंजाब से हमारे हिस्से का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है, जिसे रोकने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई है और दोनों राज्यों को इस मसले पर बैठक करनी चाहिए।
तो पाकिस्तान जो पानी जा रहा है वही पानी अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को दिया जाए तो उसे काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बकायदा रावी नदी के पानी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को खत लिखा है और कहा कि इस मसले पर दोनों राज्यों को बैठक करनी चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए। योजना बकायदा बनाकर यहां स्थानीय लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए, जबकि जो पानी पाकिस्तान जा रहा है अगर उस पानी को रोक दिया जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को काफी फायदा होगा और दोनों राज्यों में पानी को लेकर जो खींचतान है वो भी कम होगी। कल एक अपनी ओर से पत्र लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री को कि भी वो इसमें कोई एक पहल करके, हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वो पहल करके एक मीटिंग बुलाएं, क्योंकि टेरिटरी उनके क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए संबंधित स्टेट्स की एक मीटिंग बुला करके और बीबीएमबी के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा करके इस पर काम चालू करवाएं। पंजाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब को पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकना चाहिए ताकि वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के काम आ सके। ये तो उनको खुद भी समझ होनी चाहिए कि पानी जो है वो पाकिस्तान ना जाए तो उसके लिए वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के काम आए, इसके लिए तो उनको खुद ही उनकी सरकार को काम करना चाहिए। उसी बारे में पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी ने उनको। एचएसएससी के जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में ब्राह्मण समाज पर पूछे गए आपत्तिजनक सवाल को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष है, जिसके बाद दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कहते हुए आयोग ने खेद प्रकट किया है। दरअसल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में जूनियर सिविल इंजीनियर के पेपर में एक सवाल को लेकर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आयोग ने खेद प्रकट करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सरकारों पर अक्सर सवाल उठते हैं, सरकारी योजनाओं की अक्सर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको मनोहर सरकार की योजना का ऐसा असर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी सोच बदल जाएगी। और अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में जा जाते आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि खबरों का सिलसिला पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार। ये परिवार मुफलिसी का सताया हुआ है। इस बेटी के सिर से पिता का साया उठ चुका है। दिल में पढ़ने की, आगे बढ़ने की, कुछ करने की हसरतें हैं। तालीम हासिल कर ये गुर्बत के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। इसने यमुनानगर के विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरा तो फॉर्म में कुछ त्रुटियों के चलते कॉलेज ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो इस परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरफ उम्मीद ओझल ही नजर आई। अपने अरमानों का गला घुटता देख पलविंदर कौर ने मनोहर सरकार की योजना सीएम विंडो का दरवाजा खटखटाया। नर्सिंग में एडमिशन लिया तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल किए थे और उसमें कुछ ओवरराइटिंग हो गई थी, इसकी वजह से वो कैंसिल हो गया था फॉर्म। फिर सर हमने सीएम विंडो पे कंप्लेन की थी, फिर उन्होंने उनका फिर 15 दिन के बाद हमें रिप्लाई आया था और उन्होंने फिर जो उसमें ओवरराइटिंग हुई थी उसको ठीक करवाया था और हमारा फॉर्म दोबारा से फिल करवाया था सारा। सीएम विंडो पर एक बेटी की फरियाद पहुंची तो सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने खुद इस फरियादी पर संजीदगी दिखाई और अधिकारियों को ये आदेश दिया कि इस लड़की का दाखिला वजीफे के साथ करवाया जाए। उसने एक दर्दनाक चिट्ठी जो है मुख्यमंत्री के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी, जिसमें उसने जो है प्रार्थना की थी कि अगर मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं मिला तो मैं अपनी आगे की स्टडी जो है जारी नहीं रख पाऊंगी। और मुख्यमंत्री जी ने उस शिकायत पर, उसकी जो है आवेदन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बच्ची का जो है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो है दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महज 15 दिनों में न सिर्फ फॉर्म की त्रुटियां दूर कर ली गई बल्कि उसे वजीफे की सिफारिश के साथ दाखिला मिला।
बेटी के सपनों को पंख लगने की उम्मीद जगी तो अंबाला के मौजगढ़ का ये परिवार सरकार और सीएम विंडो का जबरा फैन हो गया। बड़ी लड़की जीएनएम नर्सिंग कर रही है स्कॉलरशिप बेस पे, अगर सीएम विंडो वाले ना होते तो हम दर दर की ठोकरे खा रहे होते, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है। ये परिवार जबरा फैन हो भी क्यों ना, परिवार की बेटी का सपना जो आखिरकार पूरा हुआ, साथ ही उसे अब वजीफा भी मिलेगा जिससे उसे आर्थिक चुनौतियों से लड़ने में भी आसानी होगी। बहरहाल अब पलविंदर कौर नर्सिंग की पढ़ाई कर खुद के पैरों पर खड़ी हो सकेगी और गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकेगी, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया सीएम मनोहर लाल की अनोखी पहल सीएम विंडो से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा।